दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी निवासियों का अपने आशियाने का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत कठपुतली कॉलोनी में बनाए जा रहे फ्लैट लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुताबिक पहले चरण में 500 फ्लैटों का आवंटन इसी वर्ष कर दिया जाएगा। कठपुतली कॉलोनी में 2800 फ्लैट बनने हैं, जिसमें से 500 फ्लैटों का आवंटन होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष में बाकी 2300 फ्लैटों का भी आवंटन कर दिया जाएगा। डीडीए के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में जहां झुग्गी वहां मकान परियोजना के तहत मौजूदा समय में 3 स्थानों पर बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सभी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अगले वित्तीय वर्ष में दिल्ली में झुग्गी वासियों को 7499 फ्लैटों का आवंटन कर दिया जाएगा। दिल्ली में मौजूदा समय में कालकाजी, जेलर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में यह योजनाएं चल रही है। दिल्ली में 1980 के बाद से जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत लोगों को फ्लैट या प्लॉट नहीं दिए गए हैं, क्रियान्वयन किया जाएगा। कठपुतली कॉलोनी की 5.2 एकड़ जमीन पर 2800 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इसके लिए डीडीए ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाया है। मॉडल के अनुसार जमीन के एक हिस्से पर व्यावसायिक और रिहायशी इमारतें बनेगी। एक फ्लैट बनाने पर करीब 15 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार से सिर्फ 1,42,000 रुपए लेकर फ्लैट दिया जाएगा। इसमें 30,000 रुपए की राशि मरम्मत की है, जिसके ब्याज से फ्लैटों का रखरखाव किया जाएगा।